गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊं तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण के बारे में। दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं या फिर लक्षण के द्वारा जानना चाहते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो बहुत देखे जाते हैं, जिसके वजह से एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों, इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला का जो जानने की जिज्ञासा होता है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, कोई भी लक्षण 100% सटीक नहीं होता है, आप लोग सिर्फ 99% ही गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण के बारे में। पहला लक्षण है मिट्टी खाना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को मिट्टी से बनी चीज़ें या फिर हंडी हो या फिर चॉक पेंसिल ऐसा खाने का मन करता है तो माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है एसिडिटी का समस्या। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को चौथे पाँचवें महीने में अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या हो रही है या फिर गैस की समस्या हो रही है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही लक्षण है। अगला लक्षण है ब्रेस्ट में दर्द और निप्पल का रंग काला होना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला का ब्रेस्ट, जो राइट साइड का जो ब्रेस्ट है, वो दर्द करता है, साथ में निप्पल का रंग काला होता है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है नाभि लाइन सीधा होना। गर्भावस्था के दौरान जो छठे सातवें महीने में जो एक गर्भवती महिला के जो नाभि के आसपास जो लाइन बनता है वो लाइन अगर सीधा होता है, साथ में डार्क काला होता है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है बाई करवट होके सोना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को बाएं करवट होके सोने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। तो दोस्तों, यही था गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।